हनुमान जी ब्रह्मचारी थे तो उनके पुत्र कैसे हुए, कभी सोचा है आपने? सीताराम दोस्तों, मैं अनुपम खेर आपके लिए लाया हूं 21 हनुमान मंदिरों की एक अद्भुत श्रृंखला, जिन मंदिरों के दर्शन मात्र से आपका जीवन सफल हो जाएगा। आज हम बात करेंगे द्वारका के निकट बेट द्वारका में स्थित दांडी हनुमान मंदिर की, जो भारत का एकमात्र मंदिर है जहां हनुमान जी अपने पुत्र मकर ध्वज के साथ विराजमान है। लंका दहन करने के पश्चात पूंछ में लगी आग के कारण हनुमान जी के शरीर का तापमान अत्यधिक बढ़ गया था। तब हनुमान जी आग बुझाने के लिए समुद्र पे गए। उस समय उनके पसीने की एक बूंद समुद्र के जल में जा गिरी, जिसे एक मछली ने पी लिया और वो गर्भवती हो गई और उसने एक अत्यंत बलवान पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मकरध्वज पड़ा। बलवान मकरध्वज को रावण के भाई और पाताल लोक के राजा अहिरावण ने पाताल लोक का द्वारपाल नियुक्त किया। राम रावण युद्ध में रावण के पुत्र मेघनाद की मृत्यु के पश्चात रावण ने जब अहिरावण द्वारा श्री राम और लक्ष्मण जी का अपहरण करवा दिया तो हनुमान जी उन्हें वापस लाने पाताल लोक गए। पाताल लोक के द्वार पर हनुमान जी को वहां के द्वारपाल मकरध्वज ने रोका और उन्हें बताया कि वो हनुमान जी का ही पुत्र है। अखंड ब्रह्मचारी होने के बावजूद मकरध्वज द्वारा खुद को अपना पुत्र बताए जाने से हनुमान जी आश्चर्यचकित हुए। तब मकरध्वज ने उन्हें अपने जन्म की कथा सुनाई। पाताल लोक की रक्षा करने के कर्तव्य के प्रति पूरी निष्ठा दिखाते हुए मकरध्वज ने हनुमान जी को द्वार पर ही रोक लिया और उनसे कहा कि अंदर प्रवेश करने के लिए हनुमान जी को उसे युद्ध में पराजित करना होगा। हनुमान जी और मकरध्वज के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें हनुमान जी ने मकरध्वज को पराजित कर दिया। उसके बाद उन्होंने पाताल लोक में प्रवेश करके अहिरावण का वध किया और श्री राम और लक्ष्मण जी को बचाकर वापस लंका ले आए। एक श्लोक है हनुमान जी के लिए, उल्लंघ्य सिंधो सलिलम सलीलम यशोक वहनिम जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लंकाम नमामितम प्राञ्जलिरांजनेयम्। राम काज करने के लिए राम नाम अंकित मुद्रिका अपने मुख में रख करके श्री हनुमान जी समुद्र को पार करी गए। भगवान के लिए जो पसीना बहाने के लिए तैयार होता है तो उनके पसीने से भी ऐसी संतति, ऐसे पुत्र प्रकट होते हैं। ऐसे हनुमान जी के, वैसे शिष्य जो है वो भी पुत्रवत माना जाता है और पुराणों में हनुमान जी के पुत्र की भी कथा आती है, मकरध्वज की कथा हम सुनते हैं। मैं समझता हूँ कि हनुमान जी का चरित्र जिसके जीवन में है, राम भक्ति और राष्ट्र भक्ति के लिए जो सदा तत्पर है और पसीना बहाता है, तो उसके पसीने से भी ऐसी संतान यानी उसका शिष्य समुदाय या उसका परिवार ऐसा बन सकता है जो सदा राम सेवा में और राष्ट्र सेवा में हनुमान जी की तरह ही तत्पर होकर के लगा रहे। दांडी हनुमान मंदिर का निर्माण लगभग 500 वर्ष पहले हुआ था। माना जाता है कि हनुमान जी और मकरध्वज का युद्ध उसी स्थान पर हुआ था जहां आज मंदिर है। बेट द्वारका में स्थित यह मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी और मकरध्वज की एक साथ पूजा होती है। मंदिर में स्थित दोनों मूर्तियां स्वयंभू हैं और त्रेता युग से यहां विद्यमान है। यहां दोनों मूर्तियों के बीच में पहलवानों द्वारा लड़ाई के लिए उपयोग में किए जाने वाला दंड दिखता है, जो हनुमान जी और उनके पुत्र मकरध्वज के बीच हुए युद्ध का प्रतीक है। दांडी हनुमान मंदिर ब्रह्मलीन प्रेम भिक्षु जी महाराज की तपस्थली भी है। जय बजरंगबली। राम सीता राम, जय सीता राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम, जय सीता राम, सीता राम, सीता सीता राम, जय सीता राम, सीता राम, जय सीता राम।
राधे श्याम सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।